नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। सदियों से सेहत और सुंदरता को निखारने के लिए कई हेल्दी सीड्स को प्रयोग में लाया जाता है, इसी में से एक है पम्पकिन सीड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कद्दू के बीज आपकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कद्दू के छोटे छोटे बीज कैंसर और हाइपरटेंशन जैसी गंभीर समस्याओं का इलाज करने के काम भी आते हैं। अगर पम्पकिन सीड्स में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के साथ साथ कब्ज और वेट लॉस में मदद करता है। इसमें विटामिन सी और ई पाया जाता है, जो आपके त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा पम्पकिन सीड्स में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सोडियम और फोलेट की मात्रा भरपूर होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पम्पकिन सीड्स कौन कौन सी समस्याओं में फायदेमंद हो सकते हैं और इसको खाने का सही तरीका क्या होता है। कद्दू का बीज डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक रिसर्च के अनुसार पम्पकिन सीड्स का डायबिटीज पेशेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पम्पकिन सीड्स इंसुलिन को रेगुलर करता है और स्ट्रेस को कम करके डायबिटीज की समस्या को रोकता है। ये बीज हाइपोग्लाइकेमिक प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। शुगर पेशेंट नाश्ते में 2 बड़े चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज का सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें, पम्पकिन सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, जिंक और फैटी एसिड के अलावा अनसैचुरेटेड फैट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये सभी कंपाउंड हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें पाए जाने वाला कॉपर रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। इसीलिए हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे से बचने के लिए पम्पकिन सीड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। पम्पकिन सीड्स इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिकाओं की वृद्धि, अच्छी नींद, आंख और स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। जिंक की कमी से ठंड, फ्लू, डिप्रेशन, कमजोरी, थकान और मुहासे जैसी कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए इन सभी के लिए कद्दू के बीज का सेवन फायदेमंद होता है। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए और एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी पम्पकिन सीड्स के साथ दिन की शुरुआत की जा सकती है। पम्पकिन सीड्स में पाए जाने वाला तत्व आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। रात को सोने से 1 घंटे पहले 1 ग्लास दूध के साथ 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स पाउडर को मिलाकर सेवन करने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। ये फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पम्पकिन सीड्स में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जिंक पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है और बांझपन जैसी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और अन्य पोषक तत्व हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाए रखने में मदद करते हैं, इसीलिए नियमित रूप से कद्दू के बीज का सेवन आपके प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि पम्पकिन सीड्स आपको कैसे फायदा पहुंचाता है, लेकिन अब कद्दू के बीज के नुकसान के बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। किसी भी सीड्स को खाने के सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन यदि किसी चीज का ज्यादा सेवन किया जाए तो उसके नुकसान जरूर होते हैं। इसलिए सही और सीमित मात्रा में पम्पकिन सीड्स का सेवन हमेशा ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो पम्पकिन सीड्स खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। एक बात और, कद्दू के बीज में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वेट लॉस करने वाले इसे कम मात्रा में ही खाएं। दोस्तों, कद्दू के बीज न्यूट्रिशन में काफी हाई होते हैं और अगर आप भी इसके फायदे का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।